पहले तो किसानों को फायदा देने वाला गन्ना किसानों को और शुगर मिल्स को, पहला फैसला ये हुआ कि इथेनॉल की अब नई कीमत 62.65 रुपये लीटर होगी। एवरी लीटर इट विल बी 62.65 रुपीज़। द इथेनॉल प्रोड्यूस बाय शुगर और शुगर जूस। दूसरा होता है इथेनॉल बी हैवी, उसकी प्राइस रहेगी 57 रुपीज़ 61 पैसा, 57 रुपये 61 पैसे। और सी हैवी की कीमत रहेगी 45 रुपये 69 पैसा। पहले एक ही रेट होता था इथेनॉल को, लेकिन इथेनॉल चूंकि अलग अलग मोलासिस से बनता है या शुगर से भी बनता है, तो इसलिए जिस प्रक्रिया से बने हैं उसके आधार पर कीमत देने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया और दाम भी बढ़ा दिए। इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि 2014 में जहां केवल 38 करोड़ लीटर इथेनॉल ऑयल कंपनियों के पास आता था, पिछले साल 195 करोड़ लीटर आया है, यानी लगभग 5.5 गुना ज्यादा इथेनॉल बाजार में आया, ऑयल कंपनियों के पास आया। 10% पेट्रोल में मिक्स होता है, पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स होता है, और फिर भी इसका मूल फायदा होता है कि किसानों को एक सही कीमत मिलने में उसका फायदा होता है, शुगर मिल्स के हाथ में पैसा आता है, डिस्टिलरी के रूप में आता है, तो उसका फायदा किसानों का बकाया जल्दी मिलने में होता है। तो ये फायदा हुआ है बड़ा। और केवल 62 रुपये, ये लगभग 6-5% से लेकर 8% तक बढ़ोतरी की है। शुगर जूस से जो इथेनॉल बनता है उसमें 3.25 रुपये बढ़ोतरी हुई है। बी हेवी से जो इथेनॉल बनता है उसमें 3.35 रुपये बढ़ोतरी की है इस साल, और सी हेवी जो है उसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देती है, तो किसान को या शुगर मिल को जीएसटी का या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं पड़ता है, ये भी उनका एक फायदा है। 2014 में जैसे मैंने बताया बहुत कम था इथेनॉल, उस समय शायद इथेनॉल को बड़ा महत्व देने की भूमिका नहीं थी। अंततोगत्वा किसान को बकाया मिलने में जिसका लाभ होता है, ऐसा ही एक बड़ा निर्णय है, और ये पर्यावरण का पूरक है। इससे पेट्रोल उतना नहीं जलता और पेट्रोल से होने वाला प्रदूषण नहीं होता। 195 करोड़ लीटर अगर इथेनॉल जाता है तो इथेनॉल से 0 प्रदूषण होता है, ये उसका फायदा है। आयात में उतनी कमी आती है और उतना विदेशी चलन बचता है। तो ये एक निर्णय ऐसा है कि जो सभी तरह से फायदेमंद है, और इसलिए किसान इसका स्वागत करते राह देख रहे थे।